देश भर के साथ महाकाल की नगरी उज्जैन में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली महर्षि सांदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत से विशेष पूजन अभिषेक हुआ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वैसे तो उज्जैन को महाकाल की नगरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली भी है, जहाँ पर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष की उम्र में उज्जैन के ऋषि सांदीपनी के पास विद्या अध्ययन के लिए आए थे। यही वजह है कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनी आश्रम देश विदेश के भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया है। यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है, दूर दूर से भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं। उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में गुरु गोविंद उत्सव मनाया गया। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत अभिषेक किया गया, इसके बाद में महाआरती हुई। सांदीपनी आश्रम विश्व की सबसे पुरानी विद्या स्थली है। यहाँ पर करीब 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ विद्या अध्ययन करने आए थे। इस आश्रम में रहकर भगवान ने कुल 64 दिनों में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 64 कला, गीता ज्ञान और साथ ही में गुरु सेवा को आत्मसात किया था। इसी आश्रम में सुदामा से श्री कृष्ण की मित्रता हुई थी। भगवान ने इस आश्रम में ही जीवन की वास्तविकता को जाना था। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ सांदीपनी आश्रम में जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। तो बाबा का जन्म हुआ है और आप जो आज अष्टमी का त्यौहार जो मनाया धूमधाम से, क्या कहेंगे? मैं आज यहाँ पर सांदीपनी आश्रम में आई हूँ, जो हमारे कृष्ण भगवान हैं उनकी विद्या स्थली है। और यहाँ पर कृष्ण जन्म बहुत अच्छे से मनाया गया है। अभी रात को 12 बजे कृष्ण भगवान की आरती की गई है, उसके बाद प्रसाद वितरण किया गया है। और जैसा कि हम सभी मतलब नागरिकों को इंतज़ार रहता है कि कब कृष्ण भगवान का जन्म हो, तो यहाँ बहुत अच्छे से मनाया गया है। बहुत ही रोचक लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है? प्रियंका चौधरी। कहाँ रहते? उज्जैन फ्रीगंज। भगवान का जन्म हुआ है और आप यहाँ पे आए और आपने बाबा का जन्म किस प्रकार से आपकी भावना को ये हुआ? हम लोग यहाँ पे हमेशा ही आते हैं, बट आज जो माहौल है वो कुछ अलग है और बहुत अच्छा लग रहा है, हैपनिंग लग रहा है। जन्माष्टमी का असली मज़ा यहाँ पे आ रहा है। क्या नाम है? वैष्णवी। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनी आश्रम, जितना महत्व जन्म स्थली का है उतना ही महत्व शिक्षा स्थली का भी है। और यहाँ के जो गादीपति है वे रूपम व्यास जी ने, मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, और सभी भक्तों के साथ मिलकर भगवान को जन्म कराया है और जन्म की आरती की है। और मुझे लगता है कि आज 2-3 वर्षों बाद इतनी चहल पहल हुई है। विगत 2 वर्षों तक लगातार कोरोना के कारण कुछ समस्या रही है, किंतु इस बार बहुत ही अच्छे प्रकार से भगवान का जन्म सांदीपनी आश्रम में मना है। तो मैं अपनी ओर से भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूं और सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा मंत्री जी के द्वारा की गई है और क्या कुछ विशेष? ये वो पावन पवित्र स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण करी है। 64 दिन भगवान यहां पर रुके थे और 64 दिन में 64 विद्या 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। ये भगवान कृष्ण का एक गुरु महर्षि सांदीपनी ऋषि का आश्रम है। यहाँ बड़ी धूमधाम के साथ सैकड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय मोहन जी यादव जी और हमारे पूर्व निगम सभापति माननीय सोनू जी गहलोत जी के अध्यक्षता में यहाँ पर उनके आरती संपन्न की गई है। भगवान का पंचामृत अभिषेक पूजन हुआ है, तत्पश्चात अभी जन्मारती की गई है। और इसी तारतम्य में कल यहाँ पर नंद महोत्सव का आयोजन रहेगा। आज भगवान कृष्ण की जो पाठशाला है इसको आज ताज़े फूलों से और छतरियों से, यहाँ पर रंग बिरंगी छतरियों श्रृंगार भी किया गया है। पंडित रूपम व्यास मुख्य पुजारी। आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आपके द्वारा पूजा की गई है। हम सबका सौभाग्य है, बाबा महाकाल की नगरी के साथ साथ उज्जैन की एक पहचान और है। 5100 साल पहले भगवान कृष्ण बनकर के यहाँ आए थे और सांदीपनी जी के आश्रम में श्री कृष्ण बन के गए थे। ऐसे प्रत्येक जगह भगवान की जहाँ लीला हुई, जहाँ उनकी शिक्षा हुई, जहाँ उनका कोई ना कोई कर्म जुड़ा, वो प्रत्येक तीर्थ ही भगवान श्री कृष्ण के नाम से है। ऐसे में ये उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में हमने सब ने जन्माष्टमी का आनंद लिया। भगवान का जन्म हुआ, खूब आनंद के साथ विधि विधान से पूजा अर्पण करने के बाद भगवान ने जिस प्रकार से आज ये जन्माष्टमी मनी है,
कोरोना के कठिन काल के बाद अब देवस्थानों का जो आनंद बरस रहा है, मैं भगवान से कामना करता हूँ कि सभी देशवासियों को, पूरे विश्ववासियों को अपने आशीर्वाद से, स्नेह से और आने वाले कष्ट से निजात दिलाए। भगवान की कृपा सब पे बनी रहे। हमारी अपनी सरकार भी कोशिश कर रही कि भगवान कृष्ण की जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश में लीला हुई है, प्रत्येक स्थान पर उच्च शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग मिलकर के प्रत्येक कृष्ण भगवान की जहाँ लीला हुई, सांदीपनी आश्रम हो या जाना पाओ, जहाँ भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र मिला या रुक्मी से जहाँ युद्ध हुआ अमझेरा के पास, या नारायणा वो स्थान महितपुर में जहाँ भगवान कृष्ण और सुदामा ने रात गुजारी, प्रत्येक स्थान को तीर्थ की तरह विकसित करेंगे और उम्मीद करेंगे कृष्ण के भक्तों के लिए साथ साथ सनातन और वैष्णव भक्तों के लिए ये अद्भुत स्थान बने। मेरे अपनी ओर से कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई।